हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मैगी। मैगी बनाना तो सभी को आता है, पर मैं आज अपने स्टाइल में बनाऊंगी। चलिए देखते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 चम्मच लिया है मैंने ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें अब जीरा ऐड करूंगी। जीरा हमारा हो गया है तो मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। और मैंने इसमें मिर्ची हरी नहीं ली है क्योंकि मेरा बेटा वो मिर्च खा नहीं पाता है, इसीलिए मैं इसको हल्की सी लाल मिर्च ही रखूंगी। अगर आप चाहें तो अपना हरी मिर्च यूज कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। प्याज को इसी तरह धीरे धीरे चलाते रहना है जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज अब गोल्डन हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटर। फ्रेश हरी मटर ली है मैंने यहाँ पे। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। और इसको अच्छे से चलाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो अपना फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर यूज किया है। टमाटर अब सॉफ्ट हो चुका है तो मैंने इसमें अब गाजर ऐड किया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। मैंने लिया है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और मैंने ये लिया है नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये मैंने रेगुलर लाल मिर्च ली है थोड़ी सी। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। ये मैंने आलू लिया है कटा हुआ, हल्की स्लाइसेस की है मैंने इसकी, जल्दी पक जाए। और मैंने इसको अब ढक दिया है। इसे करीब 2 मिनट तक पकाना है। सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब ये मैंने नेस्ले का मैगी लिया है। मैंने नेस्ले मैगी यूज़ किया है तो आप चाहें तो आटा नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से चला देना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें टेस्ट मेकर यूज़ कर रही हूँ जो मैगी पाउच के साथ आता है। इस
इसको अच्छे से चला दें। और इसे मैंने ढक दिया है। ये मैंने 6 से 7 मिनट पकाया है, देखते हैं ये पका है कि नहीं। मैगी हमारी पककर तैयार हो चुकी है, तो अब मैं इसमें 1 चम्मच करीब टोमेटो सॉस यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से चलाना है, इससे टेस्ट हमारा हल्का मीठा होगा और अच्छा टेस्ट आएगा। ये मेरे बेबी को बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैंने इसमें पहले से ऐड कर दिया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरा ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।